नहीं, करने मेरे की ख्याल बात। में गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप इसको एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई सीरीज़ नहीं जीता और हम यहाँ पे आके अच्छा परफॉर्म करें और यहाँ पे सीरीज़ जीतें, मैचेस जीतें, तो वो हमारे एज अ प्लेयर कितनी अच्छी ग्रोथ होगी और एज अ आपके कैरियर में कितनी ग्रोथ होगी। तो मेरे ख्याल में गुस्सा नहीं है, मेरे हिसाब से तो अपॉर्चुनिटी है। जो भी मिस्टेक्स थी बाउलिंग में, बैटिंग में, सो डू यू थिंक दे दी मिस्टेक्स विल नॉट बी रिपीटेड एंड या वी विल ट्राई, कम अप विद अ न्यू स्ट्रेटजी? या वी विल ट्राई बेस्ट। आपने जैसे कहा कि मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे, आप कभी भी चाहते नहीं हैं कि आप मिस्टेक्स वो दोबारा करें। देखें, हमसे जो मिस्टेक्स हुई बॉलिंग में, वो पिच काफ़ी पहले दिन पे अच्छा सीम हो रहा था, हमारे यंग बॉलर थे दोनों, उन्होंने अच्छा ट्राई किया, लेकिन थोड़ा सा आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन उस पिच के मुताबिक थोड़ा सा हमने पहली इनिंग में रन ज़्यादा करवाए थे, अगर आप देखें तो वही एक तरीके से हम वहीं से मैच से पीछे हो गए थे। सर, आपने पर्थ में खेलने के बाद यहाँ भी आपकी जो प्रैक्टिस है उस पर अगर बताएं, आज प्रैक्टिस किस तरह गई, किस हाउ हाउ होता है? आज का जो प्रैक्टिस रहा वो तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि अगर हम पर्थ खेल कर आए हैं और वहाँ का पिचेस खेल कर आए हैं, तो अब जब हम यहाँ पे आएँ तो काफ़ी अच्छी ऐसा लग रहा है कि आप दोबारा से पाकिस्तान वाली फील्ड में आएँ। और मेरे ख्याल में सारे बैटर्स जो है ना वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और आज बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस सेशन रहा है और बहुत अच्छे निक में सारे प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कंप्लीट टर्न अराउंड आपको देखने को मिलेगा, खासतौर पर इस मेलबर्न टेस्ट में। सर, बाबर की भी उस तरह से इनिंग अभी बिल्ड नहीं हो रही, तो आप पे भी जिस तरह से आपने तकरीबन अभी तक जितनी इनिंग्स खेली हैं 20+ रन की हैं टेस्ट के अंदर, तो कितनी एक्सपेक्टेशन जो हैं वो आपसे बढ़ती चली जा रही हैं, फैंस की भी टीम की भी, तो उसको किस तरह से टैकल कर रहे हैं? देखिए, एक्सपेक्टेशन हमारे मुल्क की और हमारे फैंस की हमेशा से हमारे साथ होती हैं और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे आए खेल रहे हैं, यह नहीं होता कि आप अर्ली ऑन अपने कैरियर में तो आपसे लेस एक्सपेक्टेशन हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा। और जहाँ तक आपने बाबर आजम की बात की, आप सबको पता है वो वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, एक जस्ट अबाउट के एक इनिंग की बात है और वो बाउंस बैक करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस मैच में बाउंस बैक करेंगे। साउथ, जिस तरह भी आपने कहा कि बॉलिंग जो है वो प्रेशर में है, तो अभी एक और बॉलर आउट हो गए, तो प्रेशर कितना बिल्ड हो रहा है ड्रेसिंग रूम का बॉलिंग अटैक को लेके, क्या माहौल है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बॉलिंग प्रेशर में है, मैंने ये कहा वो यंगस्टर से। देखें, अगर एक बॉलर इंजर्ड हो गया तो एट द सेम टाइम है दूसरे बॉलर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आए और उनको मौका मिले। देखें, ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, थोड़ी नहीं अच्छी खासी हेल्प मिलती है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर यहाँ पे मीर हमज़ा खेलते हैं, हसन अली खेलते हैं, तो उनके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अपने परफॉर्म करें अपने मुल्क के लिए। अच्छा सर, ये बताएं कि कैमरा को लेके उसके बाद हमारा पर्थ का और ये मेलबर्न को लेके पिचेस के हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा, क्या गोल सिंगल आपने सिंगल क्वेश्चन? देखिए, कैमरे के हिसाब से अगर हम देखें, जितना हमने वहाँ प्रैक्टिस किया और जो हमने प्रैक्टिस मैच खेला वो थोड़ा सा डिफरेंट था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैनबरा में अच्छा ऑस्ट्रेलिया बाउंसिंग पिच होगा, लेकिन जो कि वहाँ नहीं था। लेकिन जिस तरह हम पर्थ गए, तो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कभी ड्रॉप इन पिच पे खेला नहीं था। आपको थोड़ा सा एक दो दिन एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन ये एज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको सब चीज़ों में जल्दी अडॉप्ट करना पड़ता है ताकि आप परफॉर्म करें। मेरे लिए काफ़ी लर्निंग थी उस मैच में और मैंने बहुत कुछ सीखा उस मैच से। देखिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखिए, नर्व्स थोड़े से बैटिंग से पहले होते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर मैं इस ग्राउंड की वाइब चेक करूँ, इस ग्राउंड के बारे में एक फील है, और ख़ासतौर पर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, मैंने पहले उसको अर्लियर भी ये बात की कि जब मैं छोटा था तो मेरी आदत थी मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगा के बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच और जो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टाइम डिफरेंस है, तो मैं उठता था स्पेशली 5 बजे उठ के जो है वो मैच देखता था। तो मेरे लिए काफ़ी एक वो बात है कि अलग ही इस मज़ा है, बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए।